10-12 साल पहलों ना फेसबुक ते एक ना पोस्ट मैं वेखी। पोस्ट की सी के को ग्रुप सी मुंडिया दा, जवान मुंडिया दा ना ग्रुप सी, एक टोला जिहा। ते उन्हां ना एक वो जिहनूं प्ले कार्ड नहीं आखेदा, वो किधरे कोई एहतजाज कोई रैली रूली कढ़ी सन, तो प्ले कार्ड उन्हां चुकिया। उन्हां दे उत्ते जनाब ना इसराइल दा झंडा बनिया, ते थले ना लिखिया खैबर तुहाडी आखरी फतह सी। वो जिसले मैं पढ़िया ना, तो मैं जिस टाइम खैबर पढ़िया ना, तो मैनू लगा कि शायद ये किधरे जंगे खैबर की गल तो नहीं करन दे। मैं जनाब मोबाइल कढ़िया, तो मैं मसने को कन्फर्म करने वास्ते ना मैं नैट पर सर्च किया कि जिहड़ी जंगे खैबर है वह मुसलमानों की किन्हां के खिलाफ जंग हुई सी। और जिस टाइम जनाब मैं वेख्या ना, तो जनाब जंगे खैबर जिहड़ी सी वह लड़ी गई सी यहूदियों के खिलाफ। तो यहूदी वेखो तुसी किस लेवल ते मसन के अपने बच्चों वो सिखा रहे हैं कि जंगे खैबर मुसलमानों आख्या है उन्होंने उस बोर्ड दे विच कि जंगे खैबर जिहड़ी सी ना वो जनाब तुहाडी आखिरी फतह सी, ते इस तो बाद तुहानू फतह कोई नहीं मिलनी। ये जी अज तो ना 12 साल पहलों पुराना बोर्ड सी। तो मैं ना बोर्ड वेख के ना, तो मैं कह दसो लो ये किधर साढ़े दुश्मन हो गए, क्योंकि आप वेखो ना जी आ जी गेम पई है ना, इस 10-12 साल ज़्यादा गेम पई। उस तो पहला तो एडा मसल कि असी तवज्जो नहीं की, असी इसराइल यहूदियों को अपना दुश्मन एडा तसव्वुर ही नहीं करीदा। कागजा भावें इलामा इकबाल अरी या कैद आज़म अरी आ गए सन कि साढ़े दुश्मन ने, लेकिन एज ए पाकिस्तानी साढ़ा ना एडा, एज ए मुसलमान एडा इधर मसल तवज्जो कोई नहीं। लो जी तुसां वेख्या होना है जनाब, अंदरों अंदर ये तैयारियां करते रहे, विच करके खबरां भी आउंदियां सन जी स्कूलों के बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं यहूदी मसलन किवें वैपन चलाईदा, किवें अपने आप को बचाना है, किवें मसलन किसी पर अटैक करना है। ये अपनी औरतों अपने बजुर्गों ईवन के जेडे इन्हां दे नौजवान मसलन के लड़के होंदे सन उन्हां नूं जनाब आर्मी ट्रेनिंग देंदे सन। इन्होंने अपनी बड़ी तैयारी की, तैयारी करके लो जी तैयारी का रिजल्ट की तुहाडे सामने आ गया जी। भाई जी दुनिया इन्हें अगे ला लीए, तो कल की खबर जनाब सामने आई है, अकवामे मुतहदा दे मुल्क ने जनाब इन्हें कट्ठिया होकर करारदाद पास की है कि इसराइल नूं जनाब आख्या गया कि जंग बंद कर, आ जी तू फलस्तीन दे विच लाईए, तो उस जनाब अगों इनकार कर दिता। उन्हें जनाब आख्या नस जा परां, मैं कोई नहीं जंग बंद करनी। लो जी फिर गया पूरी दुनिया नूं, वेखो ये तैयारी करनी चाहिए ही सानू मुसलमानों नूं, ते जिहड़ी तैयारी की यहूदियां ने ते इस टाइम पई दुनिया उन्हें अगे ला लई है। अच्छा हुण दूसरी गल सुनो, आ साढ़े मुल्क च भी कई बंदे ओए असले आ जिहड़ा ये फसाद है, असला इंजे असला ओ वे। भाई जी मेरी गल याद रखिया जी, यहूदी इसराइल दे विच जनाब हर यहूदी बच्चे औरत मर्द हर कोल वैपन हुंदा है, ये उन्हें जरूरी किया है, हर बंदा कोल वैपन कैरी करेगा। लो जी तुसी कभी खबर सुनी हो कि भाई इसराइल च लड़ाई हुई है, को 20 बंदे उधरों डिगे ने या 20 उधरों डिगे ने जिवें उन्हें रैफल चुकिया, कभी सुनिया हो तो साढ़े मुल्क ये क्यों? अच्छा हुण मैं तुहानूं दसा बंदे कित्थों मरदे ने, फसाद कित्थों पैंदे ने। भाई जी फसाद पैंदे ने भुखा नाल, भुखा कंट्रोल करो ए लोग मरने बंद हो जाएंगे। असला जिहड़ा ना ये मूवमेंट का जेवर है, ये सानू एक चाल चली जा रही है, मुसलमानों नू इन्हें तो दूर करो, इन्हें अजाशी वाले पासे पाओ। भाई जी मेरी मैं घूम के फिर वो अपने टॉपिक ते आना पिया, असला जिहड़ा वो अपना एक प्रॉपर्टी समझ के खरीदो। इंज समझ लो जिवें तुसी कोई प्लाट खरीद लगे हो, कोई घर खरीद लगे हो, वेखो ना जी असला खरीदो, लसेंस बनाओ, पैसे लगते हैं, लेकिन ये सोच के करो कि यार मैं वैपन रखना, लसेंस लैना, ये मेरी एक प्रॉपर्टी है, ये आने वाले वक्त मैनू भी बचाएगी, मेरी फैमिली की हिफाजत भी करेगी। मेरी गल याद रखिया जी, एक बंदे को रैफल हो गए ना 500 बंदा अगे ला लेंदा, तो जे अगर तुहाडे कोल रैफल नहीं है, हथियार नहीं है, तो तुसीं उह जिहड़ा 500 बंदा अगे लगे ना उहदे विच शामिल हो। हुण मेरी गल थोड़ी जी तवज्जो ना सुनिया जे, जिहड़े हुण दुनिया के हालात बने पए ने ना, आ वेखो इसराइल ते फलस्तीन की जंग जिथे अपड़ी पई है, उगों होर नवे नवे महाज खुलते पे ने, रूस का ते अमेरिका का आपस च बड़ा कम खराब होया पिया,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਲਫਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ ਕੋ ਉਹ ਲਫਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਉਹ ਲਫਜ਼ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਯਹੂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਕਾਫਰ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦੋ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਰੋ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕੋਣ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛਿੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੀਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੰਗ 65 ਦੀ 75 ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।